हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे क्रोटोन प्लांट को आप छोटे से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और सालों साल आपका प्लांट ग्रो होता रहेगा प्लांट की हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन प्लांट पुशी होगा और प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आएंगे साथ ही क्रोटोन जैसे हार्डी प्लांट की रूट प्रंग कैसे की जाती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी प्लांट को कैसे आप ग्रो करें तो वीडियो में बने रहे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए क्रोटोन का प्लांट जो है बहुत हार्डी प्लांट होता है आप इस प्लांट को कटिंग से इजिली ग्रो कर सकते हैं ये दोनों ही प्लांट को कटिंग से ग्रो की गई थी और प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा था आज तक और प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेस भी निकल कर आए थे क्योंकि मैंने ब्रांच की ही प्रोनिंग की थी आज तक लेकिन अभी जो है प्लांट का कंडीशन देख सकते हैं छोटा पोर्ट होने के कारण रूट जो है पूरी तरह से ऊपर की ओर भी आप देखे बाहर आ रहा है और पोर्ट का जो ड्रेनेज होल है उससे भी रूट बाहर आने लगा है प्लांट का जो सॉयल है छूने पर बहुत हार्ड लग रहा है बहुत हार्ड पानी देने पर भी बहुत इजीली पानी नहीं पास हो रहा था ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आ रहा था ऊपर ही रह रहा था इसलिए अब मैंने सोचा इस प्लांट की ब्रांच की प्रोनिंग नहीं करके मैं रूट की प्रोनिंग करूंगी ताकि प्लांट का हाइट ना बढ़े प्लांट बुशी हो प्लांट हेल्दी ग्रो हो प्लांट की रूट प्रोनिंग करने के लिए प्लांट को पॉट से बाहर निकालना जरूरी है रूट बाउंड हो चुका प्लांट इजिली धीरे से खींचने पर ही बाहर आ जाता है तो इस प्लांट को बाहर निकालने के बाद देखा मैंने पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है ये प्लांट और देखिए सॉइल है ही नहीं तो अब पहले सबसे पहले सॉयल को अलग करना है दूसरा प्लांट भी निकालने पर मैंने देखा इसी तरह से रूट बाउंड हो चुका है ये तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो इसका भी जो सॉयल है पहले अलग करना है उसके बाद ही रूट की प्रूनिंग करनी है आप सीजर का इस्तेमाल करें मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है लेकिन आप सीजर का इस्तेमाल कीजिएगा लेकिन प्रून करने से पहले सॉयल को पहले रूट से अलग करें उसके बाद ही प्रून करें और मिडिल वाला जो पार्ट है सॉयल रूट का उसे बिल्कुल कट ना करें साइड साइड का जो रूट है उसे ही कट करें इस तरह से कट करें और जो बीच वाला पार्ट को रहने दे रहने के बाद जो सेम पॉट है उसी में ही मैं ग्रो करूंगी मुझे प्लांट का हाइट नहीं बढ़ाना है बस प्लांट को पुश्ची बनाना है सॉयल मिक्स में मैंने ली है इक्वल क्वांटिटी में गार्डन सॉयल और वर्मी कंपोस्ट आप कोई भी खाद ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की जगह साथ ही मैंने कोकोपीट भी एड की है जो क्वांटिटी में कम है कोकोपीट इसलिए चाहिए होता है ताकि रूट ईजिली फैल सके और वेल रनिंग सॉयल मिक्स तैयार करने के लिए मैंने सैन ली है सैन की जगह पर लाइट भी ले सकते हैं मैंने इस बार सैन ली है सैन भी बहुत अच्छा रहता है वेल ड्रेनिंग सॉयल मिक्स बनाने के लिए तो इस तरह से सॉयल को प्लांट के आसपास अच्छी तरह से भरने के बाद प्लांट को अच्छे से फिक्स करने के बाद प्लांट में बहुत अच्छे से पानी देना है क्योंकि जो ड्रेनेज होल अच्छा है ड्रेनेज होल से जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल कर आ जाएगा प्लांट को जब भी आप इस तरह से प्रून करते हैं रूट की प्रूनिंग करते हैं या प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट को आप सेमी सेड एरिया में रखें जहां ब्राइट लाइट मिले डायरेक्ट सनलाइट ना मिले कम से कम 10 टू तो 15 डेज के लिए उसके बाद ही आप प्लांट को दूसरी जगह जहां इसका प्रॉपर प्लेस है वहां शिफ्ट कर सकते हैं प्लांट को प्रून करने का और रूट की प्रूनिंग करने का या ब्रांच को ट्रिम करने का सही समय रहता है हर साल का फेबर और मार्च का महीना इस समय आप रूट की प्रूनिंग करके प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं ये समय बेस्ट रहता है और प्लांट का जो ब्रांच है उसको आप प्रून कर सकते हैं या कट कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं बरसात के मौसम में भी लेकिन जो रिपोर्ट करने का सही समय रहता है फेबर और मार्च का महीना तो इस तरह से आप प्लांट की आ, रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाय बाय